लोकसभा चुनाव खत्म हो चुका है और अब हार का ठिकरा पार्टी एक दूसरे नेता पर थोपते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल एक मामला ऐसा सामने आया है जहां बहरा गोरा के विधायक और जमशेदपुर लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी रहे समीर मोहंते 24 घंटे में ही पलट गए। कांग्रेस जिला अध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे पर उन्होंने आरोप लगाया था कि हर बूथ पर पैसे देने में धांधली की गई है और अब अपने ही आरोपों पर पल्ला झाड़ दिया। शनिवार को परिसरन में संवाददाता सम्मेलन कर उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 में बूथ मैनेजमेंट के नाम पर उन्होंने किसी को एक रुपया नहीं दिया, ना ही कांग्रेस और झामुमो के केंद्रीय नेतृत्व से किसी के खिलाफ लिखित शिकायत की है। साजिश के तहत किसी व्यक्ति या विरोधी संगठन के लोगों ने उनकी छवि को खराब करने की कोशिश की बात कहने लगे। संभवतः गठबंधन के बीच दरार पैदा करने के मकसद से भी इस तरह की ओछी हरकत की जाने की बात उन्होंने कह दिया। बता दें कि विधायक मोहंती ने कहा कि किसी ने उनके नाम से पत्र जारी किया है जो फर्जी है। पत्र में किया गया हस्ताक्षर उनका नहीं है। पत्र की सच्चाई की जांच के लिए उपायुक्त से भी बात की है ताकि कार्रवाई की जा सके। विगत लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के सभी राजनीतिक संगठनों ने अपने स्तर से काफी मेहनत की। इसके लिए वे सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देते हैं। वे कहा कि लोकसभा चुनाव में हमने शहर से लेकर गांव तक पहुंचने का प्रयास किया। लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी के रूप में नाम घोषणा के बाद उन्हें मात्र 18 दिन ही मिले थे। इतने कम समय में भी उन्होंने हर जगह पहुंचने और जीत के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन वे सफल नहीं हो पाए। संवाददाता सम्मेलन में जुगसलाई के विधायक मंगल कालिंदी, प्रमोद लाल, शेख बदरुद्दीन, राज लकड़ा समेत अन्य लोग मौजूद थे। यहां बताते चले कि विधायक समीर मोहंती के लेटर पैड से 12 जून को उनके ही हस्ताक्षर से कांग्रेस व झामुमो के केंद्रीय नेतृत्व को एक शिकायत पत्र भेजा गया था। पत्र में कहा गया था कि समीर मोहंती ने विगत लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे को पूर्वी जमशेदपुर विधानसभा क्षेत्र में प्रति बूथ 6000 रुपये के हिसाब से बूथ मैनेजमेंट कार्यक्रम व रैली के लिए 25 लाख रुपये दिए थे। साथ ही कई बूथों पर बूथ मैनेजमेंट के लिए 6000 रुपये की जगह केवल 4000 रुपये ही देने की आरोप लगाया गया था। उस पत्र में आनंद बिहारी दुबे पर गठबंधन धर्म का पालन नहीं करने का आरोप लगाते हुए उन्हें पार्टी से हटाने की भी मांग की गई थी। शनिवार को समीर मोहंती ने उक्त पत्र को फर्जी बताते हुए किसी के द्वारा साजिश रचने व छवि को खराब करने की बात कही। पत्र फर्जी है या किसी की दबाव में आकर विधायक बैकफुट पर आ गए हैं, यह जांच का विषय है। वहीं इस पूरे मामले पर आनंद बिहारी ने कहा कि कांग्रेस जिला अध्यक्ष जीत हार मतदाताओं के हाथ में है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गठबंधन के अन्य सहयोगी दलों के साथ मिलकर काफी मेहनत की, पिछली बार से अधिक मत भी मिले, यह दिगर है कि बढ़त व जीत नहीं मिल पाई। समीर मोहंती के नाम पर कथित रूप से जारी पत्र उन्होंने पहले ही प्रतिक्रिया दी थी कि कोई सुलझा व जनप्रतिनिधि इस तरह का अनर्गल आरोप कैसे लगा सकता है, इसमें जरूर कोई साजिश है। अंततः वही हुआ, संगठन और व्यक्ति को बदनाम करने वाले पर मंसूबों में सफल होते हैं, लेकिन विधायक समीर मोहंती ने सामने आकर सारी हकीकत बयां कर दी। वहीं इस पूरे मामले पर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता परतून सहदेव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स में पोस्ट करते हुए इसे लिफाफे पर डाका करार दिया है। उन्होंने कहा कि हद कर दी कांग्रेसियों ने, अब तो झामुमो कांग्रेसों में मौसेरे भाई का रिश्ता और स्पष्ट हो गया। झामुमो के जमशेदपुर के प्रत्याशी समीर मोहंती ने जमशेदपुर के कांग्रेस जिला अध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे पर बूथ खर्च के लिए दिए गए चुनावी लिफाफे में डाका डालने का आरोप लगाया है। श्री सहदेव ने कहा कि समीर मोहंती ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर आरोप लगाया कि बूथ मैनेजमेंट के लिए 6000 रुपये खर्च करने के हिसाब से कांग्रेस की जिला अध्यक्ष को दिए थे, लेकिन कांग्रेस की जिला अध्यक्ष ने लिफाफा को कतरते हुए हर लिफाफे से 2000 रुपये निकालकर खुद की जेब में रख लिया। यानी झारखंड में लूट का खेल इस कदर मचा हुआ है कि सहयोगी दल भी एक दूसरे को नहीं छोड़ रहे हैं। उन्होंने अपने पोस्ट में चुनाव आयोग को टैग करते हुए इस मामले में संज्ञान लेने की अपील की है। आरोप लगाया गया कि एक बूथ पर खर्च 6000 रुपये बांटा गया है तो पूरे पार्लियामेंट क्षेत्र में कितना खर्च हुआ होगा। जाहिर तौर पर यह चुनावी खर्च की स्वीकृत सीमा से बहुत अधिक है। कहा कि झारखंड में गठबंधन के नेता जनता की जेब तो कतरते ही थे, अब सहयोगी दल के लिफाफे को भी कतरने लगे हैं। राजधानी रांची से जेके न्यूज के लिए ब्यूरो की रिपोर्ट। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल जेके न्यूज नेटवर्क को, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।